सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो। तो फिर से आ चुका हूँ मैं बहुत दिनों बाद। अच्छा खासा गैप दे रहा हूँ मैं तो। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो अभी अपन थोड़ा सा ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो डालने का। तो आज अपन करने वाले इसका लॉन्च कंट्रोल टेस्टिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा जाता है, कैसा होता है लॉन्च कंट्रोल और क्या ये सच्ची में अच्छे से वर्क करता है कि नहीं। तो लेट्स से देखने वाले हैं। तो पहले निकल जाते हैं अपन सिटी में से बाहर थोड़ा सा, क्योंकि इस जगह पे तो लॉन्च कंट्रोल ऑब्वियसली टेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। अरे इसमें फ्यूल डलाया था, फ्यूल अभी के अभी ज़ीरो बता रहा है। पता नहीं कितना फ्यूल पीती है भाई, एकदम भयंकर ही फ्यूल पीती है, भयंकर। जिस 200 का फ्यूल अप किया था तब 80 का रेंज बता रहा था, बट थोड़ा सा एक बार गाड़ी बाहर निकाला था तो अभी तो ज़ीरो बता रहा है, कुछ रेंज ही नहीं बता रहा है। मामू जा रहा है मामू। तो देखते हैं अभी इसका लॉन्च कंट्रोल कैसा वर्किंग करता है। बेसिकली लॉन्च कंट्रोल यूज़ होता है मोटो जीपी में, एंड मोटो जीपी में आपने देखा होगा वो लॉन्च कैसे करते हैं, पूरा फुल थ्रॉटल दे के रखते हैं एंड एकदम झटके से क्लच छोड़ते हैं और उनकी बाइक व्हील नहीं करती है और प्रॉपर लॉन्च होता है, उसको कहते हैं लॉन्च कंट्रोल, जिससे व्हीली नहीं होती है झटके से भी क्लच छोड़ने पे। तो वही अपन ट्राई करेंगे इसमें भी व्हीली होती है या परफेक्ट लॉन्च होता है, सामने जाके पता चलेगा। ओ भाई साहब क्या धूप है भाई। भाई क्या मामूलों की रहते इधर बस स्टैंड पे। ये भाई ये साइकिल किधर से डाल रहा है भाई। ये और कैमरा एंगल कैसा आ रहा है देख लो यार, अगर ऊपर नीचे हो गया होगा तो कमेंट में बता देना। पर इधर तो लॉन्च कंट्रोल यूज़ ही नहीं कर सकते तो और सामने जाना पड़ेगा, और ट्रैफिक भी बहुत है, धूप भी बहुत है, बट इट्स ओके। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ड्यूक 390 हीटिंग इशू है कि नहीं है। तो हीटिंग इशू तो है भाई, 400 cc की बाइक है तो हीटिंग इशू तो होने ही वाली है, समझ रहे हो ना, बड़ी सीसी की बाइक है तो हीटिंग इशू तो आने ही वाली है आपको। और हीटिंग इशू बेसिकली आती है सिटी में, इसमें फ्यूल है भी नहीं, पता नहीं जाके पता चलेगा उधर। लेट्स चेक इट आउट। अटक गया तो किसको बुलाना पड़ेगा, अरे भाई फ्यूल ख़त्म हो गया। और धुपकेले में ज़्यादा हीट कर रही है वे बाइक, पता नहीं। इसका क्विक शिफ्टर है ना, हाई आरपीएम पे अच्छा वर्क करता है, अगर आप कम इस पे करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है इंजन में, उसका ध्यान रखिए। तो अभी देखो हम रोड पे आ चुके हैं, तो अभी अपन करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, सॉरी लॉन्च कंट्रोल टेस्ट करने वाले हैं। तो ये इज अ लॉन्च कंट्रोल इज ऑन, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है। गाड़ी आ रही है, गाड़ी को जान देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने लॉन्च कंट्रोल ऑन कर दिया है, और लॉन्च कंट्रोल में आपको 3 बार आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर 3 लिखा आ रहा है एंड ABS ऑफ करके रखा हूँ सम रीजंस, MTC ऑन है। और हीटिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ, तो दिस इज बिग बाइक बोले तो दिस इज 400 cc बाइक ड्यूक 390। तो ऑब्वियसली इसमें भाई बड़ा इंजन है तो हीट होने ही वाला है, और हीट होगा रेडिएटर तो चालू ही हो जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लोग बोलते हैं कि भाई रेडिएटर ऑन हो गया तो भाई ये कैसे का चालू हो गया, भाई वो उस चीज के लिए होता है कूलिंग के लिए, तो ऑब्वियसली ऑन हो ही जाएगा। और सिटी में ज्यादा हीट होती है मैं पहली बता दे रहा हूँ, अगर आप सिटी में चलोगे तो बहुत भयंकर हीट होती है, लाइक आपके जो ये शूज में जैसा गैप है ना भाई, वहाँ पर बहुत तगड़ी हीट लगती है, ये ध्यान में रख लेना। हाउ इट्स गोज, तो लेट्स गो, अभी टेस्ट करते हैं अपना लॉन्च कंट्रोल टेस्ट करते हैं। भाई छोड़ दे वे भाई, फट रही है लिटरली। तो चलो, अच्छा ये देखो
अभी क्या हो गया? बेकार थ्रस्ट आया ना भाई, कसम से लिटरली ऐसा लगा मैं और झूला घूमता है कि नहीं, झूला झूले में पेट कसा था वैसा हो गया था मेरा, लिटरली कसम से बता रहा हूँ, माँ कसम भाई साहब। थोड़ा सामने चल जाते हैं एंड रेडी थी भाई, पूरी व्हीली करने के लिए रेडी थी, पूरी व्हीली मारने के लिए रेडी थी, बट व्हीली हुई नहीं और पहले इसमें तो मैं पोपेट कर दिया। तो वापस से टेस्ट करते हैं, देखो क्या होता है। ये देखो पूरा छोड़ देता है ये, यहाँ तक आने के बाद कम हो जाता है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसी भाग रही है भाई। तो वापस एक बार अपन टेस्ट करेंगे इस चीज को, एड रोक लो क्या इधर ही। तो भाई लॉन्च कंट्रोल में क्या हो रहा है, जैसे अपन फुल दे रहे हैं ना तो यहाँ पर आके वो कट हो जा रहा है पावर, और जब छोड़ रहे हैं तो फिर एकदम से लॉन्च हो रही है प्रॉपर से, 0 to 60 एंड 0 to 100 कितने सेकंड में करती है। और इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ कि कितने सेकंड में कितनी करती है, तो लेट्स डू इट। वापस से लॉन्च कंट्रोल, लॉन्च में 3 मोड आ चुके हैं तो वापस से करते हैं। और भाई स्टार्टिंग में जो फील होता है ना इसका पावर, भाई ऐसा लगता है झूले वूले में बैठ गया हूँ मैं। वापस से करते हैं, तो वापस से कर रहे हैं लॉन्च कंट्रोल लास्ट बार, देखो क्या हो रहा है। भाई इसके लिए ना 150 भाई खिलौना है भाई, 150 खेलना इतना खिलौना चीज है ना Duke 390 के लिए भाई, क्या चीज है भाई ये भाई, मतलब भाई कसम से बता रहा हूँ भाई, बेस्ट है भाई, असली बेस्ट है असली। तो लॉन्च कंट्रोल आपने देख लिया होगा कि कैसा वर्क करता है इसका, प्रॉपरली वर्क करता है, व्हीली नहीं होने देती है, प्रॉपर लॉन्च होता है, थोड़ा सा क्लच मैनेज करना होता है। देख लिया होगा कि लॉन्च कंट्रोल कैसा होता है और क्या काम करता है और किस जगह पे यूज होता है। बेसिकली ये रेसिंग में यूज होता है, मोटो जीपी में, आपको पहले बता दिया हो भाई। पहले इसमें तो भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने बुलेट ट्रेन में बिठा दिया हो इतना खतरनाक पावर फील हो गया भाई। भाई किसको अटैक कर रहा है बे। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वाले वीडियो में इतना ही था लॉन्च कंट्रोल के बारे में, और नए वीडियो के साथ जल्दी आने वाला हूँ, इस बार ज़्यादा लेट नहीं करूँगा बट आऊँगा ज़रूर। एंड इस वाले वीडियो को मैं हैप्पी एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट, ट्राइड हार्ड, राइड सेफ, पीस आउट। ऑफ कोर्स नॉट डूइंग द स्पीड लिमिट, व्हाई द फक वुड आई डू द स्पीड लिमिट ऑन अ सुपर बाइक।